दोस्तों न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में सूर्य कुमार यादव ने लगाया दुनिया का सबसे लंबा छक्का और उसके बाद कीवी कप्तान के रोंगटे खड़े हो गए। आखिरकार गाइस आप भी देखना चाहते हैं सूर्या ने ये सबसे लंबा छक्का कैसे जड़ा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच में पहला टी20 मुकाबला बारिश के कारण कैंसिल हो गया था, मगर दूसरा टी20 मुकाबला ओवल के मैदान पर खेला गया, जिसमें भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 151 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया न्यूजीलैंड के सामने, जिसमें सबसे ज्यादा सूर्य कुमार यादव ने 51 गेंदों में 111 रन की तूफानी पारी खेली। ईशान किशन भी 31 गेंदों में 36 रन का योगदान दे पाए। उसके बाद दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए न्यूजीलैंड की टीम जब मैदान पर आई तो न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के परखच्चे से उड़ा कर रख दिए भारतीय गेंदबाजों ने, जबकि न्यूजीलैंड की ओर से केन विलियम्स ने सबसे ज्यादा 61 रन लगाए और कोई भी बल्लेबाज चल नहीं सका, जबकि भारतीय टीम की ओर से गेंदबाजी कराते हुए दीपक हुड्डा ने सबसे ज्यादा 4 विकेट चटकाए और इस तरीके से इस मुकाबले को भारतीय टीम ने 65 रन के बड़े अंतर से जीत लिया। मगर दोस्तों मामला उस वक्त का है, भारतीय टीम की ओर से बैटिंग कर रहे थे सूर्य कुमार यादव, तो वहीं न्यूजीलैंड की ओर से बॉलिंग करा रहे थे लॉकी फर्ग्यूसन, जबकि लॉकी फर्ग्यूसन ने 13वें ओवर की जैसे ही दूसरी गेंद कराई तो सूर्य कुमार यादव ने घुटना टेक कर दुनिया का सबसे लंबा छक्का जड़ दिया और गेंद को स्टेडियम से बाहर का रास्ता दिखा दिया और एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। वैसे गाइस आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि भारतीय टीम न्यूजीलैंड की टीम को अब की बार टी20 सीरीज में रौंद पाएगी या फिर नहीं।